पहन्नी विजय का हम कह रहे थे, हमारे पूर्व प्रवक्ता जो प्रोफेसर मिश्रा जी ने बताया आपको कि पद हुन्नन, छोटे छोटे कदमों में चलना, क्योंकि जब राजा चलते हैं तो कभी दौड़ के नहीं चलेंगे, तेज नहीं चलेंगे, वो धीरे धीरे चलेंगे। साधारण जनता, साधारण प्रजा धीरे धीरे चलेंगे। जब राजा चलते हैं, जब प्रजा तेज चलते हैं, जब राजा चलते हैं धीरे धीरे चलते हैं। उसके एक कारण है वो अपने मर्यादा को रखते हुए, दूसरा उनको सभी देखना चाहते हैं, तो भगवान को भी सभी देखना चाहते हैं, इसीलिए धीरे धीरे पदहुन्नन यानी छोटे छोटे कदम में आगे बढ़ते हैं। भगवान की सुंदर नेत्र जिनको देखकर अभिभूत दुनिया, और जिनको देखकर भक्त भी अभिभूत, जिनको देखने भक्त यहाँ पहुँचते हैं केवल चकानयन को देखकर। चकानयन को देख दृष्टि छक जाती है, हटती नहीं बरबस वहीं रुक जाती है। भगवान की इसी चकानयन को जब हमारी आंखें मिल जाती है ना, हटती नहीं बरबस, हम वहीं रुक जाते हैं। खैर जो भी हो, ये यात्रा इसके पीछे क्या मकसद है ना, विश्व शांति। हम कह रहे थे कल कुछ हमने कहा था, फिर आज को आज आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे भ्रातृ भाव मैत्री समानता समदर्शी धारा मानता, मंदिर तज प्रभु वाहर आवही मिलही परस्पर दर्शन पावही। मंदिर तज करके आते क्यों है ना, परस्पर मिलन और दर्शन उनका एक मकसद है। और क्या करते हैं ना, जाति पाति सब कछु विसराई, मौसी गृह सब जाही लिवाई, सकल धर्म मतवाद विशेषा, संप्रदाय रूपंथ अशेषा, जैन बौद्ध शिव शाक्त दिवाकर, वैष्णव गणपत करियादर, सकल इष्ट देव। सभी धर्मों को वो असादर ग्रहण करते हैं और आदर करते हैं, इसी कारण महाप्रभु क्या है ना, सकल इष्ट देवन के रूपा जगन्नाथ प्रभु दिव्य अनुपा। सचमुच में आपको ये दिव्य रूप दिख रहा है, प्रभु आपका ये दिव्य स्वरूप देखकर गदगद है। हमने क्या कहा ना, कहा प्रभु आप जाति प्रीति रखते नहीं, आप संप्रदाय प्रीति रखते नहीं, आप केवल प्रभु प्रीति रखते हैं, कारण आपको भक्त का प्रेम चाहिए। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जायः किमुनाम रूपम अधिकम किंतत सुदाम नो धनम वंशक को विदुरस्य यादवपति रुग्रस्य की पौरुषम भक्त्या तुष्यन्ति केवलम न च गुणैर्भक्ति प्रिय माधव। माधव केवल भक्ति से प्रिय, अन्यथा गज के विद्या की थी, श्रीदामा के पास धन क्या थे, स्वरूप क्या था, हमारे जो कहा जाता है विदुर की जाति क्या थी, ध्रुव का वय क्या था, तो ये सभी जाति धर्म संप्रदाय भाषा ये सभी से ऊपर उठकर भगवान को केवल प्रेम चाहिए। प्रेम कल कहा था, प्रेम हरि को रूप है, हरि प्रेम स्वरूप, प्रेम के कारण ही प्रभु देख रहे हैं आप। नीलमघ नील मेघ सम श्याम मुरारी बपुबल भद्र धवल हितकारी। बलभद्र कौन ना, धवल वर्ण, श्याम मुरारी क्या ना, नील मेघ वर्ण। नील मेघ सम श्याम मुरारी बपुबल भद्र धवल हितकारी, चक्र राज करी लाल स्वरूपा कुंकुमारुण सुभद्रारूपा। ये चार वर्ण संसार के चार रंग वाले मनुष्य के जो रंग होते हैं, ये लाल पीले और सफेद काले, ये चार वर्ण के प्रतीक हैं, इसीलिए विश्व शांति के प्रतीक है। इसीलिए कहा गया हिताय आर्य हिता अनार्य हिताय द्राविड चीन शकहुन दल पाठान मुगल एक देह हललीन। यही एक ही देह में शरीर में सभी समा गए हैं। भगवान की ये दर्पणी यानी आईना जिसे देख करके प्रभु अपना श्रृंगार करते थे, वो भी वापस लिया जा रहा है। तीनों रथ सज्जित है, एक पंक्ति भगवान के ये कहा जाता है, देख रहे हैं आप, पुलिस कर्मी भी यानी सुरक्षा का कड़ा इंतजाम, क्योंकि
भगवान को देखने के लिए हजारों नहीं लाखों के तादाद में यहाँ भक्त उपस्थित हैं, वीर कहाली बजने के लिए तैयार हैं। हम दो दो बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ ब्राह्मण शबर द्राविड़ और तंत्र शस्त्र मर्मज्ञ पूज ही प्रेम सहित सब भाव सहित सर्वज्ञ सभी यहाँ भगवान को पूजते हैं, चाहे वो द्रविड़ हो, शबर हो, या ब्राह्मण हो, या तंत्र मंत्र के तांत्रिक साधक हो, सभी यहाँ आकर के पूजा करते हैं। आज और क्या एक बात है, ना भगिनी भ्रातृभाव ते राजहि अन्य न कहूँ ए भांति विराजहि। दुनिया में और कहीं ऐसे भगिनी को लेकर के भगवान नहीं चलते हैं, और भगिनी साथ में नहीं रहते, पत्नी रहती है शक्ति रूपा। सकल विश्वमह अद्भुत थाना भ्रातृभाव कर प्रेम विधाना। भ्रातृभाव ही प्रतिष्ठा करने के लिए पहले लक्षण है। जय जगन्नाथ से प्रकम्पित हो रहा है, विजय कहाली बाजे उठी है। सम्यवाद बंधुत्व की बांधी जिन दूर दूर विश्व चेतना हो ये पावन प्रेम विभोर। इसीलिए तो भगवान यहाँ दारू रूप लेकर के नर लीला करते हैं। नर लीला कैसे, दारू रूप नारायण लिन्हा मानव चरित विविध विध किन्हा। प्रभु नारायण रूप नारायण होकर के भी नर लीला करते हैं, इसी नर लीला को देखने के लिए यहाँ भक्तगण उपस्थित है, इसीलिए